हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और ठीक होंगे। तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए और आज मैं आपसे बहुत सारी बातें शेयर करूंगी गाइस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के कॉफ़ी तैयार कर रही हूँ और उसके बाद मैं अपने सारे काम फिनिश करूँगी। ये देखिए, निकलो। सो गाइज, ये है हमारे घर के बाहर का व्यू और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी देखने के लिए कि क्लीनिंग वाली दीदी आके सब कुछ साफ़ करके गई है कि नहीं। तो यूजुअली इसी टाइम पे आती है, तो बस अब अंदर आके मुझे लगा मैंने वीर का रूम सब साफ़ कर लूँ और इस टाइम तक मैं सारा कुछ साफ़ करके एंड जो भी ब्लैंकेट्स एक्स्ट्रा रहता है उसे मैं अच्छे से फोल्ड करके वीर के वार्डरोब में रख देती हूँ, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स है ना वो बेड पर नहीं रखती हूँ, नहीं छोड़ती हूँ। और इस वक्त मैं और वीर फटाफट से रूम क्लीन कर रहे हैं। यूजुअली वो मुझे हमेशा हेल्प करता है रूम क्लीनिंग के वक्त। जल्दी से अपने रूम्स क्लीन कर रहे थे और फिर उसके बाद सारा कुछ सेट करने के बाद वो अपनी पढ़ाई पे लग गया था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स भी हैं। इसके बाद मैं कुछ वेजिटेबल्स चॉप करने लगी थी, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था मंजीत के लिए। तो मैं मैगी बना रही थी, तो बहुत सिंपल सा था, बस प्याज और आलू को मैंने फ्राई करके सौते कर लिया एंड देन उसके बाद हल्का थोड़ा सा टमाटर डाल के एंड देन मैगी एंड जो उसके आगे के प्रोसेस है। इसके बाद मुझे अपना रूम क्लीन करना था, तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा मैस हो जाता है सुबह के वक्त। तो यहाँ पे भी मैं अपने एक्स्ट्रा जो भी ब्लैंकेट्स थे उसे जल्दी जल्दी से फोल्ड कर रही थी और उसके बाद मैं इसे कबर्ड में रख दूँगी, ताकि मुझे ज़्यादा जितनी ज़रूरत होती है बस उतना ही मैं बाहर रखती हूँ। तो यहाँ पे मुझे सुबह पहले सबसे पहले ये सबको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगता है मुझे, तो मुझे डेली ये सबको क्लीन करना पड़ रहा है। तो ये सारे चीज़ें मैं पहले क्लीन करके उसके बाद अच्छे से बेडशीट टक कर लेती हूँ और फिर जल्दी जल्दी से अपना सारा रूम क्लीन करके सेट कर लेती हूँ। अब इसके बाद मेरा रूम भी पूरा क्लीन हो जाता है एंड मैं बाकी सारे क्लीनिंग एंड मॉपिंग करने के बाद अब लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने वीर को लंच करने के लिए दे दिया था और मेरा मुझे राइस खाना था, तो वो मैं निकाल के एंड देन अभी बैठूंगी वीर के साथ ही, क्योंकि सुबह से काफ़ी टाइम से काम और काम चल रहा था और इस वक्त कुछ 12 बज गए थे, तो मुझे लगा कि बस मैं लंच कर ही लेती हूँ उसके बाद फिर बैठूँगी आराम से। तो बस मैं और वीर अच्छे से अपना लंच कंप्लीट किए एंड देन आराम से बैठ के दोनों लोग मूवीज़ देख रहे थे। जस्ट अभी खाना खा के उठे हैं, हमारा लंच हो गया है और उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ी देर आपसे अब बात कर लूँ, क्योंकि मैं सुबह से आई थिंक सुबह से मैं घर के कामों में ही लगी थी, अभी बैठ के जो बातें आप सब सुबह की वो मैं नहीं कर पा रही थी। प्लीज़ इग्नोर ये, बिकॉज ये मुझे मेडिसिंस मैं जो पेन किलर्स ले रही थी बीच में उसके वजह से मुझे यहाँ पे वो आप क्या बोलते हो जो फीवर होने के बाद आ जाता है वो उस तरह का घाव हो गया है, तो वो अभी उसके भी मेडिसिंस चल रहे हैं। सो
कुछ कर नहीं सकती। है ठंडा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर पूरा क्लाउडी है क्योंकि अभी दो तीन दिन बारिश है दिल्ली में और दिल्ली NCR और पूरे इधर UP साइड, गाज़ियाबाद, नोएडा, तो इस वजह से इधर बारिश होने के चांसेस है क्योंकि कल भी शाम को बारिश हुआ है, उसके पहले दिन भी बारिश हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज भी होगा। सो इस वजह से कपड़े नहीं सूख रहे हैं। मैंने कपड़ों को कल भी वॉश करके डाला तो था, बट मुझे फिर से हटा लेना पड़ा था क्योंकि कपड़े नहीं सूख रहे। तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी मैं आपको बता पाऊँगी कि क्या रीज़न है। बहुत सारी चीज़ें आप चेंजेस देख पा रहे हैं घर के, पूरा घर ही बल्कि हमारा चेंज है। तो रीज़न यही है कि हमने हम लास्ट टू लास्ट वीक हम शिफ्ट हुए यहाँ पे अराउंड 23rd of December, एंड यहाँ पे शिफ्ट होने का कारण ये है कि ये हमने घर खुद ख़रीदा है। 14 years हम अपने जो भी पहले वाला घर था वो हम रेंट पे थे। सो उसके बाद हमने सडनली इस साल के स्टार्टिंग में हमने प्लान किया कि वी विल बाय आर ओन होम। ये हमने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया और बाय द एंड ऑफ अगस्त सितंबर हम सब कुछ फाइनल हो गया था, एंड देन दिसंबर में हमारा पूजा रहा, गृह प्रवेश कम हो सकेगा, तो इसका एक छोटा सा क्लिप डाल दूंगी। वैसे मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी क्योंकि पूजा का डेट एकदम सडनली डिसाइड हुआ था, बिकॉज उसके 10th of December के बाद कोई भी पूजा का डेट्स नहीं होता है हिंदूज में, जैसे आप सभी को पता होगा। तो उसके बाद जो है, तो घर से मेरी मदर इन लॉ प्लस मेरे मम्मी पापा भी सब ने कहा था कि आपको जो भी रखना है पूजा वगैरह, जो भी आपको पूजा वगैरह करना है वो आप पहले करेंगे 10th से पहले। तो एकदम से सडन प्लान हुआ पूजा का, सो आई डिडंट गेट अ चांस टू मेक एनी प्रॉपर व्लॉग। वैसे तो मैं सोची थी कि आई विल गो फॉर मैं एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी, बट मैं नहीं कर पाई थी। सो मैं एक छोटा सा क्लिप वो डाल दूंगी, वो मेरे पास है वो वीडियोस। सडनली शिफ्ट होना पड़ा, समहाउ कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से हमें शिफ्ट होना पड़ा। सो एनीवेज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एंड फाइनली मैं बहुत एक्साइटेड थी आप लोगों के साथ कि मैं शेयर कर सकूं कि हम शिफ्ट हो गए हैं। और आपने देखा भी होगा थोड़ा देर मतलब पहले कि मैंने किस तरह से अपने घर के सारे काम कर रही थी। इस तरह से अभी हाउस टूर नहीं दे पाऊंगी क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी लाइक थोड़ा कम अभी भी थोड़ी बहुत जगह एम्प्टी है, तो वो सारे जगह भर जाए उसके बाद ही मैं चीज़ें कर पाऊँगी। लाइक अभी तक मेरा सोफ़ा रह गया है तो वो आना है, उसके बाद ही मैं कंप्लीट एक हाउस टूर करूँगी। वैसे तो अभी मिनिमल चीज़ें ही हैं क्योंकि वहाँ से जब हम शिफ्ट हुए थे ना, तो बहुत सारे चीज़ें हमने लाइक हम बोल सकते हैं कि उसको हमने सेल कर दिया या डिस्कार्ड कर दिया, जो भी बोलो, तो वो कर दिया था क्योंकि यहाँ पे जो हमने अपने बेड्स एंड वीर के बेड्स, हमारे बेड्स, वो हमने सब इंटीरियर के थ्रू करवाया है, एंड थोड़े बहुत वार्डरोब्स का, क्योंकि यहाँ पे अलमीराज का जगह नहीं है तो प्रॉपरली यहाँ पे वार्डरोब्स वगैरह सब है, तो ये बनाया गया था, वार्डरोब्स वगैरह बनाया गया था, एंड किचन ऑलरेडी बना के दिया गया था। सो किचन में मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा, बट हाँ किचन में अभी चिमनी लगना है, चिमनी आ गया है, पर चिमनी अभी तक लगा नहीं है, तो चिमनी लगेगा। एंड बस मेरा एक सोफे का कमी है, डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ हमने अभी ले लिया है, लेकिन थोड़े बहुत चीज़ें हैं, तो उसके हो जाने के बाद ही मैं आपसे बहुत अच्छे से टूर दे पाऊँगी हाउस टूर। एंड बहुत लोगों को शिकायत थी कि मैंने उनको नहीं बताया। गाइस ये सारी चीज़ें होती है ना, एक तो जब आप कर लो उसके बाद ही शेयर करो तो बेटर रहता है मेरे हिसाब से, तो मेरे पास वो टाइम था ही नहीं। एंड जो मेंटल प्रेशर से हम लोग गुजर रहे थे, लाइक एक यू नो बहुत भागा दौड़ी था, क्योंकि सिर्फ एक घर खरीद लेने से ही नहीं होता है कि घर में आओ और अपना सामान रख दो और रहने लगो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे चीज़ें आपको करनी पड़ती है घर में, लाइटिंग्स और लाइट्स वगैरह थी, फ़ैन का, कर्टन्स किस तरह से होगा, किस तरह से हमारा लाइक जो कलर कॉम्बिनेशन होगा रूम का, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और बेसिकली हमारा शिफ्टिंग डेट्स भी डिले हो रहा था, तो इस वजह से यू नो मैं बिल्कुल भी वीडियोस करने के बिल्कुल भी उसमें नहीं थी। बट अब फाइनली मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ रेगुलर रहूँगी, और आई एम सॉरी जिन लोगों को भी शिकायत रही है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। लाइक आई थिंक मैं लास्ट मई में अपना वीडियो पोस्ट की थी, उसके बाद आई डिडंट गेट टाइम। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इतनी अच्छी लाइट्स है ना पूरे घर में, हर कमरे में इतनी अच्छी लाइट्स है कि मतलब दिन के वक्त तो मुझे किसी भी कमरे में किसी तरह की भी कोई लाइट्स जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एंड पूरा यू नो बल्कि आज थोड़ा सा क्लाउडी है बोल के तब भी मुझे लग रहा है कि लाइट्स की कोई कमी नहीं है। हर रूम्स में बालकनी है तो उससे इतना लाइट्स आता है कि मुझे वीडियोस में यहाँ पे बनाने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्लस मुझे बहुत नए नए बैकग्राउंड्स मेरे पास है, तो मिलूंगी शाम को, शाम के थोड़े बहुत काम के साथ। सो
गुड इवनिंग, और अभी शाम को रात ही बोल सकते हैं क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 7 ही बज रहे हैं, बट बहुत अंधेरा है, सो रात जैसा फील हो रहा है। तो हम जस्ट अभी नीचे गए थे, मैं अभी और नीचे जाके कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था वो लेके आई, तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ ब्लॉग करूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बारिश हो रहा है। मैं जैसे ही अपना फ़ोन का निकाल के खड़ी हुई और सोची कि थोड़ा सा ब्लॉग कर लेती हूँ, बस वैसे ही टपाटप बूंदे गिरने स्टार्ट हो गए। तो मैंने कहा कि जल्दी से पहले भागते हुए गई और लेके आई सामान, क्योंकि डिनर का तैयारी भी करना है। और ना ठंड के दिनों में ऐसे लगता है ना कि कुछ जल्दी करके फिर आप आराम से रजाई में बैठ जाओ, क्योंकि ज़्यादा देर ना लेट नाइट तक मुझे फिर किचन में काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जल्दी ही डिनर तैयार करके प्रिपरेशन तो जल्दी करके रख देती हूँ, जैसे कुछ फ्राई करना होता है ना तो वो एट द टाइम ऑफ सर्विंग वो मैं करती हूँ आगे। तो मैं लेके आई हूँ अपने साथ अभी पनीर, क्योंकि इन दोनों की फरमाइश है कि आज रात को कुछ स्पेशल बनाया जाए, क्योंकि ठंडा है, बारिश है, और बारिश में किसे पसंद नहीं है पकौड़े शकौड़े के। वैसे पकौड़े शकौड़े नहीं, बट रिलेटेड टू दैट वो भी बता देती क्या है, क्योंकि ज़्यादा सस्पेंस मैं क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। रात को आज बनेगा और थोड़े से लाई थी धनिया के पत्ते, तो मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट कर रही हूँ। आप लोग समझ ही चुके होंगे, शायद बहुत लोग गेस कर चुके होंगे। और मैंने अभी चढ़ा दिया है आलू बॉयल करने को प्रेशर कुकर में, और ये जब तक बॉयल हो जाता है तब तक मैं छोटे मोटे अपने काम निपटा लूँगी। मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, और ब्रेड पकौड़ा में फरमाइश है कि सिर्फ आलू नहीं है, उसमें पनीर भी होना चाहिए, इसलिए लेकर आई हूँ पनीर, और साथ में बनेगा धनिया का चटनी, तो लेकर आई हूँ धनिया। तो बस जल्दी जल्दी से करती हूँ तैयारी। तो नीचे ना इतना मस्त लग रहा था लाइट्स वगैरह, लेकिन थोड़ा भी मैं उसमें ब्लॉग में नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है गाइस, जिससे मैं बात भी कर रही हूँ ब्लॉग भी कर रही हूँ, और अगर मेरा फ़ोन डैमेज हो गया ना तो बात और ब्लॉग दोनों ही चला जाएगा। प्लस ये फ़ोन मैंने लास्ट ईयर लिया था, तो अभी 1.5 साल ही हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना, तो इसको बचा के चलना है। तो कोई बात नहीं यार, मैं तो यहीं रहूँगी, मैं आपको इन फ्यूचर बहुत जल्दी मैं आपको सोसाइटी टूर भी करवाऊँगी। और आप लोग रात में क्या डिनर में बना रहे हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्योंकि ठंडा है तो इस वक्त कचौड़ी समोसे और इस तरह के पकौड़े शकौड़े खाने का तो बहुत मन करता है, स्पेशली जब बारिश का टाइम भी हो। तो बाहर खाने से अच्छा है जब आप घर पे इसे बना के खा सकते हैं, तो आप घर पे बना के खाइए, इंजॉय कीजिए अपने विंडो को और इस तरह की बारिश को, अगर आप दिल्ली NCR या UP दिल्ली में रहते हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ मंजीत का, ये आ जाए उसके बाद फिर, वैसे तो ये 8:30 तक आ ही जाता है, क्योंकि वहाँ से ना 40 मिनट्स लगता है ऑफिस से यहाँ आने में, ग्रेटर नोएडा आने में, कभी कभी जाम मिल जाता है तो 1 घंटा भी लग जाता है, वो कुछ कर नहीं सकते। आज रात का डिनर ब्रेड पकौड़े विथ पनीर, ब्रेड पकौड़ा बन रहा है आज लाजवाब, चटनी बनाए धनिया का, नींबू डाल के, आलू, और ये डाला जा रहा है पनीर, और ये बन रहा है पनीर के पकोड़े, और वीर पूरी तैयारी में है भाई पनीर के पकोड़े खाने को। सो फ्रेंड्स, हम लोग का खाना भी हो चुका था, हम डिनर करके जस्ट उठे थे और थोड़ा सा बाहर आके खड़ी थी क्योंकि बारिश नहीं हो रहा था, तो अच्छा लग रहा था बाहर, बट हवा चल रहा था, तो यही बस सोसाइटी के ऊपर से देख रही थी। रात को बहुत अच्छा लगता है, नीचे मंदिर भी है जिसमें ब्लू कलर के लाइट्स आप देख रहे हैं, स्विमिंग पूल के बिल्कुल पास में, तो बहुत प्यारा सा लगता है रात के वक्त व्यू, और साइड से यहाँ से हाईवे दिखता है दूर दूर तक, तो बहुत अच्छा लगता है गाइज़। सो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।